बस हम थोड़ा मैडम तो आज के लिए थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अब 4:20 हो गए हैं और हमारे पूरे कुल मिला के सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट 100 मिनट है। तो गाइस अब हमने एंट्री कर ली है मैडम प्रसाद के अंदर। पहले हम जा रहे हैं अल्टीमेट 5-स्टार एक्सपीरियंस, फिर हम जाएंगे इमेजेस ऑफ सिंगापुर और हमारे पास 5-स्टार और फिल्म स्टार। ओ अल्टीमेट फिल्म स्टार एक्सपीरियंस में जा रहे हैं गाइस, सॉरी ये देखिए लिखा हुआ है। आप ये देखो साइड से लग ही नहीं रहा कि हम मतलब आर्टिफिशियल के पास खड़े हैं, इतनी सही डिटेलिंग है ना। तो फिल्म स्टार एक्सपीरियंस तो खत्म हो गया, 4 या 5 थे तो सबसे बढ़िया मेरे को करीना लगी और फिर अमिताभ बच्चन, ज़्यादा फिल्म स्टार्स नहीं थे। अब देख रहे हैं इमेजेस ऑफ सिंगापुर। ऐसे लोग थे मछली वाला काम करते थे, मछुआरे थे ना यहाँ पे। ये देखो साल 1900 में जब यहाँ पे कुली लोग रहते थे उनके क्वार्टर्स कैसे हुआ करते थे। ये 1930 में सिंगापुर की गलियाँ देखो कैसे दिखा करती थी, ऐसे यहाँ पर सामान बेचा करते थे। इमेजेस ऑफ सिंगापुर खत्म हो गया, बोट राइड भी थी वो भी कर ली, बहुत शानदार थी, ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाए। अब हम पहुँच चुके हैं वैक्स म्यूजियम में जिसके लिए मैडम तो साथ फेमस है। तो सबसे पहले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, मिल लो आप, बात कर लो इनसे। वो थोड़ा पीआर का देख लेना, हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर, कुछ हो सके तो बढ़िया हो जाएगा। एकदम रियली लग रहे ना ये दोनों। वाह क्या सीन है। और ये हमारे कट्टर दुश्मन शी जिनपिंग यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे के लगभग पूरी दुनिया के ही दुश्मन हैं, बट ठीक है। तो अब कुछ प्लेयर दिखाएंगे आपको फुटबॉल के, और ये कुछ बास्केटबॉल के लंबे लंबे प्लेयर। अरे पापा किसी चिड़ी बल्ले वाले प्लेयर के साथ है भैया, हम जानते नहीं हैं इसको कौन है ये, सॉरी। और इधर गोल्फ के प्लेयर्स भी हैं और ये बास्केटबॉल वाले सच में ही काफ़ी लंबे प्लेयर हैं, तो बहुत ही लंबे हैं यार। यार ये पापा की हाइट देखो, आधे आधे हैं यार आधे। डेविड बेकम भी बैठे हैं, पोज देते हुए अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। डाल यहाँ से भी नहीं डलेगी। ये बनाने का यहाँ पर तरीका बताया हुआ है, पहले सीटिंग होती है, फिर स्कल्पटिंग होती है, फिर माउल्डिंग होती है। तो इसकी डिटेल वीडियो शायद आप नेशनल ज्योग्राफिक पे देख सकते हो, मैंने ये वाला एपिसोड देखा था। ये देखो कैसे इनको रियल स्किन टोन दिया जाता है, ऐसे होता है पहले, फिर ये स्किन टोन दे देते हैं ऐसे इसको। ये देखो
कैसे ये आर्टिस्ट इनको बाल लगाते हैं, और मैंने सुना ये बाल भी रियल होते हैं, तो बहुत ही मेहनत का काम है यार ये। ये पूरा यहाँ पे बिहाइंड द मैजिक। यार शाहरुख खान के भी यहाँ पे है, और मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में हमने देखा, मैंने कहा लगता है बॉलीवुड वाला ख़त्म हो गया और शाहरुख खान नहीं मिला, और एंड में जब मिला ना, मतलब मेरा तो सफल ही हो गया यहाँ पे आना, क्योंकि मज़ा ही आ गया लिटरली। मैडम तो साथ आना बनता है, पक्का बनता है, पता नहीं अभी तक हम लोग क्यों नहीं आए थे, एक बार तो आना ज़रूर बनता है, मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आया। और इतनी मतलब सुंदर सुंदर बनी हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब आज मैं शाहरुख खान से मिल के ही आई हूँ। और ये व्लॉग अगर आपको बढ़िया लगा हो, मैडम तो साथ बढ़िया लगा हो, केबल कार बढ़िया लगे हो, कोई भी रीज़न हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो यार जो कर सकते हो। अब हम केबल कार लाइन चेंज कर रहे हैं और हम जा रहे हैं सेंटोसा की तरफ, कि हमें वहाँ पे जाके देखना है विंग्स ऑफ टाइम शो, जो कि हमारा है 7:30। सेवन थर्टी का शो है और एंट्री अभी 7:00 पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ होता होगा, जाके अपनी जगह ले लेने का, तो हम भी देखते हैं कौन सी सीट मिलती है हमें। हाय मम्मी और वैभव ने ये शायद पहले से देखा हुआ है ये शो, और नहीं अभी नया शो है, और ये शो देखने का व्यू ही कितना प्यारा है, बाप रे उधर सनसेट हो रहा है, वाह। गाइज अभी हम विंग्स ऑफ टाइम शो देख के आए हैं और बहुत ही शानदार शो है, इसकी मैं कुछ ही क्लिप्स डालूंगा, नहीं तो आपका पूरा सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, तो आप पूरा शो खुद देखने आओ, मैं सिर्फ कुछ क्लिप्स डाल दूंगा, पर इस शो की एक मेरे को जो समरी ये लगी कि टाइम एक सा नहीं रहता, अच्छा और बुरा दोनों टाइम आता है, यही इस शो की पूरी समरी है। आप ज़रूर आओ, ये शो देख के जाओ, बहुत मज़ा आएगा, इसमें फायरवर्क्स हैं और लाइटनिंग का शो है, नाइट शो है, तो आप आओ और देखो। और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, तो साथ भी देखा और फिर अब विंग्स ऑफ टाइम भी देखा, तो अब हम डिनर करेंगे और घर जाएंगे, बहुत थक गए हैं और लाइटनिंग भी अच्छी नहीं है, तो इसको फ़ायदा नहीं शॉट करने का। तो अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आगे बहुत और अच्छे वीडियो आने वाले हैं, हम फिर से सेंटोसा आएंगे, हम यूनिवर्सल स्टूडियो भी लेके जाएंगे मम्मी पापा को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत शानदार व्लॉग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।